आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बता रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो क्वेश्चन बता रहा है कि दो नंबर्स बताइए जिनका सम 27 है और जिनका प्रोडक्ट 182 है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन बता रहा है कि दो नंबर्स है जिनका ऐड, जब हम उनका ऐड करते हैं तो उनका ऐड 27 है। जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई 182 के बराबर है। तो ये है क्वेश्चन। अब आप थोड़ा सा जब ध्यान दोगे इन नंबर्स को ढूंढने में, अगर हम इस तरह से ढूंढेंगे ये कौन कौन सा नंबर है, ये 20 और 7 मत है, ये 18 और 13 मत है, ये 20 और 25 मत है, तो इस तरह से ढूंढने में इसमें बहुत टाइम लगेगा। इट मे टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट दीज टू नंबर्स विच वाई मल्टीप्लाई वी विल गेट 182 एंड व्हेन वी विल ऐड दीज टू नंबर्स एंड दे वी गेट 27। तो लेकिन क्वाड्रेटिक, हम जब क्वाड्रेटिक मेथड इसमें यूज़ करेंगे तो क्वाड्रेटिक मेथड के ज़रिए से हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स ही उसका नाम है कि ये कोई भी काम जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम टाइम, हम इसको इस बड़ी प्रॉब्लम को, इस घंटे तीन घंटे की प्रॉब्लम को, चार घंटे की प्रॉब्लम को कुछ मिनट्स में सॉल्व करेंगे। इसलिए इसको मैथमेटिक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जरिए से कैसे हम इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आप इस पर ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर 27 है, दो नंबर्स उनका एड 27। सपोज मैं एक नंबर रखूँगा एक्स इज 27, एक्स प्लस दूसरा नंबर दो नंबर से उनका ऐड 27 है, लेकिन दूसरा नंबर मेरे पास पता नहीं है। तो मैं सपोज ये सेकंड नंबर क्या निकलेगा, आप देखिए ये बनेगा 27 माइनस एक्स। इट मीन्स एक नंबर है एक्स और दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स। इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है 182। इसको मैं यूज़ करूँगा इस रिलेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर लेट वन नंबर बी एक्स देन अदर नंबर नंबर इज 27 माइनस एक्स। सपोज हमने एक नंबर एक्स लिया तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स आएगा। तो इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने कैसे इसको लिखा, क्यों लिखा, क्या लिखा। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बता रहा है x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि इन दो नंबर्स x और 27 माइनस एक्स, यही दो नंबर्स, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 182 बनता है। तो इनको जब ऐड करते हैं वो 27 बन रहा है। तो यहाँ तक ही आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है कि यहाँ तक किस तरह से इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही समझो, आपने ये, अगर यहाँ तक आपको ये लिखना आया तो आपने सॉल्यूशन इसका डोंट लिया। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन, दैट इज़ इजी। यहाँ तक आपको इसको अच्छी तरह से समझना।
इसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से आंसर निकलेगा। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेंगे 27 इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो मैं इसको यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आया, गौर से देख लो, तो मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाऊँगा, मैं लिखूँगा इसको ऐसे, ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 और एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने इन दो को राइट साइड में लिया, तो इस तरह से भी यहाँ पर कुछ नहीं रहा ज़ीरो, तो इसको इधर लिख सकते हैं आपको समझने के लिए, वरना मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता हूँ। तो इसको लिखने के बाद अब हम इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। तो यह मैंने एक लाइन डाली, फैक्टराइजेशन का रूल है ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए इज़ 1 एंड सी इज़ 182। नाउ व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस टू, दिस विल बिकम 182। नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस 182, दिस इज 2, 7, 30। तो मैं 2 और 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ और 30 रखता हूँ, ये बनेगा 2 इंटू 7 इज 14 एंड 30। इन दो को जब मैं ऐड करूँगा ये बनेगा 27। तो मैं लिखूँगा 14x, मैंने 27 यहाँ पर माइनस लाना है, मैं लिखूँगा माइनस 14x माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 27x। ये फैक्टराइजेशन का रूल है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। तो इसको मैंने और भी वीडियोस में आपको समझाया है, वो आप देख सकते हो, और ये कैसे लाते हैं। तो मैं इस 27 के बदले अब इन दो को लिखता हूँ, आई विल राइट डाउन हियर एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 is equal to 0. Now the common from these two, इन दो में से कामन निकालेंगे, x कामन निकलेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 14, यहाँ से इन दो में से कामन 13 निकलता है, यहाँ बनेगा x माइनस 14। 13 को जब 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है 182, यहाँ पर 14 इंटू 13 ये बनेगा 182 जब इंटू करते हैं, जब ऐड करेंगे इन दो को तो वो बनेगा 27 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x माइनस 14, ये माइनस क्यों लिखा है, माइनस इंटू माइनस ये बनता है ये प्लस, तो यहाँ पर और दो कामन है, x माइनस 14 कामन, यहाँ बचेगा ये x माइनस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों ज़ीरो के बराबर हैं, तो इट मीन्स आइदर x माइनस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। तो इस x के दो वैल्यूज निकले, x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 13। I will write down here if x is equal to 14, 14 is one number, it means हमारा एक number या 14 है या 13 है, दोनों यह है numbers। तो मैं जब x 14 होगा, तो if x is 14 then other number is 27 minus x which is equal to 27 minus 14 which is equal to 30. Also
if x is equal to 13, ye wala 13, then other number is 27 minus 13, which is equal to 14. It means two numbers are, दो नंबर्स एक 14 है और एक 13, तो वही ये दो नंबर्स, इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो बनेगा 182, एंड जब हम इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं वो बनता है 27। यही दो नंबर्स से जिनको हमने ढूंढना था, तो हमने इनको निकाला, वन इज 14 एंड अनदर इज 13। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3, Exercise 4.2.